युवा खिलाड़ी मुझसे आके मिलते थे और उनमें से बहुत कोई ऐसे बोलते थे कि सर आप तो जीत गए लेकिन आपके जीतने से हमें कोई फायदा नहीं हुआ। और वाकई में मुझे लगता था कि हाँ मैं जीत तो गया वहां पर लेकिन उससे बाकी लोगों को क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। सो और एक बार मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में, हम ओलंपिक गेम्स विलेज के बाहर एक बेंच पे मैं और पुलेला गोपीचंद बैठे हुए थे और पुलेला ने बात करी कि उस समय वो कोच बने नहीं थे, तो पुलेला ने बात करी कि वो कोच बनना चाहेंगे, उन्होंने मुझसे पूछा। तो मैंने कहा कि अच्छी चीज़ है आप कोच बनिए, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहता हूँ कि कम से कम एक अपने दायरे में लोगों को बदलाव ला सके। तो दोनों की अपनी अपनी चॉइस थी और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कोचिंग के अंदर और अब मुझे मौका मिला है कि स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बदलाव लाने का। और यकीनन जिस दिशा में, यहाँ मैं समय नहीं लेना चाहूँगा लेकिन हम बहुत काम ऐसा कर रहे हैं जहाँ युवा पीढ़ी को मौका मिल रहा है अच्छा करने का। 16-17 साल के बच्चों को अब खेलो इंडिया जैसा कार्यक्रम सरकार ने दिया है और अब अगला जो हम एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं उसमें 10 और 12 साल के बच्चों की हम पूरी टैलेंट हंट करेंगे पूरे देश में, 3 करोड़ बच्चों तक हम पहुंचेंगे और उसमें से हम 1000 बच्चे छांट के उस एज पर हम 5 लाख रुपए देना शुरू करेंगे प्रतिवर्ष और 8 साल तक देते रहेंगे। ऐसे खिलाड़ी हम चुनेंगे 2028 ओलंपिक्स के लिए। तो ये सब यही चीज है जो सेटिस्फैक्शन देती है।